मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना हो तो वक्त और हालात मायने नहीं रखते। बात अगर महिलाओं की हो तो उनमें खुदा ने गज़ब का हौसला दिया है, जिसे वक्त और हालात भी तोड़ नहीं सकते। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी बदौलत वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मिसेज प्राची अग्रवाल, ग्लैमर इंडस्ट्री का जाना माना नाम, जिन्होंने अपने दम पर खुद की एक पहचान बनाई। प्राची एक वाइफ होने के साथ साथ माँ भी हैं, मगर वैवाहिक जीवन और प्रोफेशनल लाइफ के बीच जबरदस्त तालमेल रखने वाली प्राची आज एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी जानी जाती हैं। पेश है मिसेज एशिया इंटरनेशनल प्राची अग्रवाल से एक खास मुलाकात। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तनवीर गाजी की ये लाइनें उन सभी विमेन को डेडिकेटेड हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हैं, खुद की एक पहचान बनाना चाहती हैं। उनमें से ही हैं प्राची अग्रवाल। हेलो, आई एम प्राची अग्रवाल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। आई सक्सीडेड टू स्कोर द फर्स्ट रनर अप पोजीशन इन मिसेस इंडिया नॉर्थ 2017। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय स्टेट छत्तीसगढ़ इन द फाइनल्स ऑफ मिसेस इंडिया 2017। रायपुर की प्राची अग्रवाल, जो कि मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी हैं, मिसेज एशिया इंटरनेशनल का टाइटल भी इनके नाम पर है, आज खबरची न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आज आप एक जाना पहचाना नाम हैं, बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसकी जो जर्नी थी, क्या पहले से अपने अपने माइंड में फ्रेम किया था कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, या फिर किसी चांस, जैसे हम कहते हैं लक बाय चांस, आपका इस फील्ड में आना हुआ? जी देखिए, मुझे हमेशा से ग्लैमर वर्ल्ड अट्रैक्ट किया और आई वांटेड टू बी एयर होस्टेस, बट बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट माय पेरेंट्स वांटेड टू मी डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो मैंने इंजीनियरिंग अपना करियर चूज़ किया और मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। उसके बाद इंजीनियरिंग करते हुए ही मेरी शादी हो गई और शादी के बाद में आई हैड किड और आई केम अक्रॉस दिस पेजेंट। मैंने जब देखा कि ये पेजेंट के लिए रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं तो मैंने रजिस्टर किया। उस वक्त ये नहीं सोचा था कि इस जर्नी में मैं इतने दूर तक जाऊंगी, पर हाँ, लक वाज ऑन माय साइड और मेरा हार्डवर्क जो है वो सही डायरेक्शन में रहा, तो आई गॉट दिस टाइटल। आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी, कभी आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम? जी देखिए, पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट, अब मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ, जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा किसी एक फील्ड में ज़्यादा अच्छी तरीके से, और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़े, एजुकेशन के इसमें, और कई जगह पे या कुछ इंसिडेंट्स की वजह से मॉडलिंग को बहुत एक गरिमामय प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। तो उन्होंने, मैंने बात की थी कि मुझे एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, एंड एविएशन इज़ मच मोर रिलेटेड टू ग्लैमर ओनली, बट उन्होंने ने ये कहा कि जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, जब आप इंजीनियर बन सकते हो, तो एयर होस्टेस बनना ये कोई तुक की बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के तरफ ही डाइवर्ट किया हमेशा। आपने बताया कि इंजीनियरिंग के टाइम ही आपकी मैरिज हो गई थी, तो उसके बाद जब आप एक वाइफ बनी, तो हस्बैंड का किस तरह से आपको इस फील्ड के लिए सपोर्ट मिला, या कभी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट किया इस फील्ड में नहीं जाना, इस तरह से कुछ? नहीं, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को काफ़ी लक्की मानती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया नई चीज़ें ट्राई करने के लिए और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। उन्होंने हमेशा कहा कि आप किसी भी काम को, जो भी आप कर रहे हैं, वो आप अपने तरीके से करो और उसमें अपनी पूरी कोशिश आप अपने तरीके से डालो, भले ही आप फेल हो गए, अगर फेल हो तो मैं हूँ संभालने के लिए, बट आप खुद अपने आप को एक्सप्लोर करो और बिल्कुल नई चीज़ें ट्राई करो। फर्स्ट टाइम आपने कब इसे अटेम्प्ट किया था, इस ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना पहला स्टेप आपने कब लिया था? ये आफ्टर हैविंग किड, जब ये स्टेट लेवल का जब मैंने देखा रजिस्ट्रेशन के, सब जगह पे मैंने एड्स और ये सारी चीज़ें देखी, तो उस वक्त मैंने स्टेट लेवल पे मिसेस इंडिया छत्तीसगढ़ के लिए ट्राई किया था। जी, और यहाँ पे फिर मैंने आई स्टूड फोर्थ, देन आई वेंट फॉर द जोनल्स, वहाँ पे आई वॉज द फर्स्ट रनर अप, नॉर्थ जोन गई थी मैं मिसेस इंडिया नॉर्थ जोन में मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे आई वॉज फर्स्ट रनर अप, फिर नेशनल्स क्रैक किया और उसके बाद में इंटरनेशनल।
मैम, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी सिटीज से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ग्रूमिंग एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट माना जाता है इस फील्ड का। तो अपने आप को ग्रूम करने के लिए आप सेल्फ ग्रूमिंग करती थी या फिर किसी से आपने ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी किसी इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है मिसेस इंडिया, उनके डायरेक्टर, नेशनल डायरेक्टर है मिसेस दीपाली फर्नेस मैम, और हमारे रीजनल डायरेक्टर है मिसेस पूर्णिमा खरे मैम। इन लोगों ने हमें बहुत अच्छी ग्रूमिंग दी थी पेजेंट के टाइम पे ही, और हमारे जितने भी डाउट्स होते थे वो लोग ने हमेशा अच्छे से क्लियर किए। और आई वॉज़ लकी इनफ, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज और इस तरीके से अपनी ग्रूमिंग की, और मैं बींग अ पर्सन, मैं हमेशा अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना पसंद करती हूँ। तो मैंने वही देखा कि लास्ट टाइम मैंने क्या मिस्टेक की थी, उससे नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। इस तरीके से धीरे धीरे इम्प्रोवाइज किया मैंने सारी चीज़। शादी के बाद जब बेटा हुआ, तब किस तरह की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस फील्ड में वापस अपने आप को फ्लोरिश करने के लिए? जी, शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, इमोशनल, फिजिकल, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और एक विमेन को वो सारे चेंजेस को और वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना होता है। बहुत मुश्किल टाइम होता है वो एक विमेन के लिए, बिकॉज उसकी जो बॉडी जो हुआ करती थी वो उसके पास अब नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होती है, बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि उसे थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा अजीब सा बना देते हैं। तो हाँ, बट एक ये चीज़ होती है कि आपको एक दिमाग में ये रखना है कि दिस इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ, हर किसी के लाइफ में आता है, और उस फेज़ के लिए ही तो हम, मतलब कम ऑन, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, दे आर आवर नेक्स्ट जनरेशन, उन्हीं के लिए तो हम आगे जिएंगे। तो उसे एक अच्छे पॉजिटिव वे में हमें उस टाइम को वो फ्लरिश करना चाहिए, और बीइंग अ मदर, आपको अपने आप को और इम्प्रोवाइज करना चाहिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए। और एक ये चीज़ है कि व्हेन योर सन और व्हेन योर डॉटर, उसका आई नो वो परेशान भी करते हैं, लेकिन उनका जो एक म्यूचुअल सपोर्ट हमेशा रहता है आपके साथ, वो चीज़ को कभी कोई बीट नहीं कर सकता ओवरऑल योर लाइफ। किस तरह से आपने मैनेज किया फैमिली को और इस प्रोफेशन को? जी हाँ, ये एक चीज़ आती है कि जब आप कोई ऐसे किसी प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं जो कि सोसाइटी में पहले से ही एक कंट्रोवर्शियल होता है टॉपिक, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्फिडेंस में लेना होता है हमारी फैमिली को, हमें उन्हें ये बताना होता है कि हम हमारी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इस चीज़ को करेंगे। मैंने अपने जो भी एल्डर्स जो हमारे फैमिली में हैं, सबसे पहले मैंने उन्हें यही कॉन्फिडेंस में बताया कि मैं वहाँ मॉडल नहीं, मैं एक रोल मॉडल की तरह जा रही हूँ। ओके, और हमारी जो डिग्निटी है, जो हमारे फैमिली की डिग्निटी है, उसे मेंटेन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो बस एक वही होता है कि आप जब कम्युनिकेशन से आप उस चीज़ को इम्प्रूव, मतलब उसे कम कर सकते हैं उस चीज़ को, वो प्रॉब्लम आने में, और प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखते हैं आपके जिस तरीके से आप उसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं या जिस तरीके से आपका जुनून होता है उस चीज़ को पाने के लिए, तो जाहिर सी बात है सारी फैमिली मेम्बर्स उसमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट कौन सा लगता है आपको इस फील्ड का? सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट इस फील्ड का ये होता है कि अपने आप को किसी भी रूमर से या कंट्रोवर्सी से बचा के रखना सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप टॉप पे होते हो या जब भी आप किसी अपने कोई एक टाइटल या कोई चीज़ अचीव करते हो या जब मॉडलिंग आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो आपके फेवर में होते हैं, जो आपके फैंस होते हैं, और जो होते हैं क्रिटिक्स। तो यही होता है कि आप, और ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि इसने आपके बारे में ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने ये रूमर फैला दिया, जेलसी भी होती है। हाँ, जो जेलसी जो जिन लोगों को होती है वो, तो ये सारे रूमर्स जो होते हैं उस टाइम पे बहुत मूड भी ख़राब हो जाता है कि मैंने तो ये नहीं किया था तो क्यों ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। तो अपने आप अपना जो बैलेंस है, मेंटल इम्बैलेंस नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि आप मेंटली थोड़े से परेशान हो गए हो कि क्यों मैं इसमें कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ऐसे कभी बहुत परेशान होने वाला मोमेंट कुछ है आपकी लाइफ में? जी देखिए, क्या होता है, आई एम अ मैरिड वुमेन, यस, तो मुझे दो तरफ के रिलेशंस निभाने होते हैं, एक मदर के तरफ का और एक इन लॉज के तरफ का, उसके बाद में आई एम अ मदर ऑल्सो। फिर जब मैं प्रिपरेशन करती होती थी ये पेजेंट के लिए, तो मेरा एक रूटीन होता है, आपको फिटनेस के लिए जिम जाना है, आपको डाइट फॉलो करना होता है, आपको अपने ड्रेसेस रेडी करनी होती है, इन सारी चीज़ों को करते हुए आपको बाकी रिलेशंस में भी बैलेंस बनाना है। जैसे अगर आपको मॉर्निंग में जिम जाना है, उसके बाद में तुरंत आपको किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, वहाँ जाके आपको खाने पर बुलाया जाता है, तो आपको पता है कि आज आप डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे,
जबकि आपको करना था. तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो इरिटेशंस आते जाते हैं, बस आपको उसी में अपना बैलेंस एक बना के रखना होता है. किसी को इंस्पिरेशन मानती हैं आप इस फील्ड के लिए अपनी? इस फील्ड के लिए तो नहीं, बट हाँ, मैं बीइंग अ वुमन, मैं अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा अपना एक इंस्पायरिंग वुमन मैं मानती हूँ अपने लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक बैलेंस बना के रख रही हूँ अपने फैमिली में, अपने वर्क में, उस तरीके से मम्मा ने हमेशा एक बैलेंस बना के रखा. और दो हम दोनों सिस्टर्स को जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक अच्छे पेरेंट की तरह बड़ा भी किया और अपने सारे जो वर्क जो है उसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निभाया, तो हैट्स ऑफ टू हर वर्क. क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ में पहले से और अभी के, अगर हम कंपैरिजन करें तो? बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे अब नाउ पीपल नो मी, तो आई एम ऑलवेज अंडर जजमेंट हर चीज़ों की वजह से. माय लुक या मेरी बातें, हर चीज़ को जज किया जाता है, तो ये एक चेंजेस है जो कि अच्छा भी है और बुरा भी. उसके साथ साथ ये जो लर्निंग प्रोसेस मैंने कंटिन्यू रखी थी इस टाइम पे, तो आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन नाउ. एक अच्छे ह्यूमन की के तरीके से मैं इवॉल्व हुई हूँ एक अच्छी सोच को लेके, और अब यही चाहूँगी कि मैं हमारी सोसाइटी के एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ मैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि उनके सामने हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूँ और एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए अपना योगदान दूँ. बिल्कुल. कुछ ऐसा मैसेज जो सारी गर्ल्स और वुमेन को आप देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको खबरची में देख रहे हैं? जी, मैं एक जो मैसेज वुमेन्स को देना चाहूँगी वो ये है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी जो स्थिति है उसके. तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप उसे चेंज, तो आप ही उसे कर सकते हैं, कोई और नहीं. किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हम कि समाज ऐसा है या फैमिली ऐसी है, हम खुद ही उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर ताला एक चाबी के साथ आता है. बस आपको ये देखना है कि उसकी चाबी क्या है. अपकमिंग कुछ प्लान्स आपके और? जी बिल्कुल, मैं एक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रही हूँ, एड्स जो कर रही हूँ, उसके साथ साथ मुझे टीवी सीरियल्स के कुछ ऑफर्स हैं. जैसे ही मुझे लगे कि कोई अच्छा ऑफर है, तो आई डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच, क्योंकि दुनिया में दो चीज़ों की बहुत कमी होती है, वक्त और जगह. वक्त निकालना होता है, जगह बनानी होती है. तो आपने जो जगह बनाई है लोगों के दिलों में, जिस तरह से आप ग्रोथ कर रही हैं, हमारी भी यही विशेष है खबरची के थ्रू कि आप कंटिन्यूसली इसी तरह से ग्रोथ करते रहें और आने वाले टाइम में हम आपको और बड़े ब्रांड्स में आपका फेस हमें नजर आए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. खबरची के लिए कैमरामैन सर्वजीत के साथ अमित शर्मा, रायपुर.